हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लूप एंटीना का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। क्विक सी छोटी सी वीडियो है जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि लूप एंटीना एक्चुअली होता क्या है। आगे फर्दर वीडियोस में हम मैथमेटिकल पैरामीटर्स देख लेंगे, यूजेज देख लेंगे और लूप एंटीना एज अ ट्रांसमीटर और एज अ रिसीवर और एज अ एयरक्राफ्ट डायरेक्शन फाइंडर भी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियोस को समझने के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमें पता लग जाएगा कि लूप एंटीना है क्या। सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि लूप एंटीना है क्या। लूप एंटीना एक्चुअली एक रेडिएटिंग कॉइल है। अब रेडिएटिंग कॉइल का मतलब, कॉइल का मतलब तो हम सबको पता होता है कि कोई भी एक वायर जिसको हमने किसी भी शेप में फोल्ड कर दिया है, ये कॉइल बन जाता है। ठीक है, तो अगर ये ही वायर रेडिएट भी कर रही है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी वायर होती है, सिंपल वायर भी एक एंटीना की तरह एक्ट करती है क्योंकि ये रेडिएट करती है। अब इसी वायर को मैंने किसी भी शेप में फोल्ड कर दिया है, यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। अब इस वायर को मैंने बहुत सारी शेप्स में फोल्ड कर दिया है तो ये हमारा लूप एंटीना बन जाएगा। तो फर्स्ट शेप है स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मेरा स्क्वायर लूप। ये क्या है? ट्रायंगुलर लूप। अब इस स्ट्रक्चर पर आए तो ये स्ट्रक्चर है रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये स्ट्रक्चर है रोम्बिक लूप और ये स्ट्रक्चर बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है लूप एंटीना के लिए और इसे हम बोलते हैं सर्कुलर लूप एंटीना। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा लूप एंटीना की शेप्स कैसी होती है। अब आपको ये समझ आना चाहिए कि वायर से लूप एंटीना बनता कैसे है। उसके लिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ। जैसे कि मेरे पास एक वायर है, अब ये मेरे पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में अगर करंट भेजा तो ये ट्रांसमीटर की तरह वर्क करेगा, हम सबको पता है ये बात। अभी स्ट्रेट वायर को हमने किसी भी शेप में फोल्ड कर दिया, ये मेरा सर्कुलर शेप और अप्रॉक्सीमेटली सर्कुलर शेप है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ माय हैंड मैं अभी इसे सर्कुलर शेप में तो बना नहीं सकती हूँ। तो अभी आप देखिए कि अगर मैंने प्रॉपर सर्कुलर शेप में इसे फोल्ड कर दिया है और इस पर यहाँ पर ये जो एंड्स हैं इसके एंड्स पर मैंने एक पोटेंशियल लगा दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है तो ये इस शेप में बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है तो जिसकी वजह से इस सर्कुलर एंटीना के अंदर और सर्कुलर वायर के अंदर करंट जाने लगेगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी बिकॉज ये सर्कुलर शेप में है और इट विल रेडिएट। तो दिस इज हाउ मेरा सर्कुलर लूप एंटीना बन जाता है। अब आई होप आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन के बाद तो प्रॉपरली समझ आ चुका होगा कि सर्कुलर लूप एंटीना या लूप एंटीना को किसी भी शेप में, अब मैं इसको और किसी शेप में अपने हाथ से बेंड कर दिखा नहीं सकती हूँ, बट आई होप अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम वायर को इन सब शेप्स में बेंड कर सकते हैं और हमें लूप एंटीना मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लूप एंटीना होता कितना बड़ा है। अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें तो ये जो वायर मैंने दिखाई थी बहुत ही बड़ी शेप में है, बहुत ही बड़ी लेंथ है इसकी, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा शेप का हमारे पास सर्कुलर लूप एंटीना बना था। बट एक्चुअल में ये वायर बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ही छोटी वायर होती है। अब कितनी छोटी होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, हमारी वेव लेंथ ऑफ EM वेव के अकॉर्डिंग हम इसकी लेंथ को लेते हैं। अभी मैं आपको क्लासीफाई कर दूंगी कि कैसे हम दो क्लासिफिकेशन लेते हैं, इलेक्ट्रिकली स्मॉल और इलेक्ट्रिकली लार्ज लूप एंटीना, जिसमें हम अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लूप एंटीना को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो हमें इतना पता लग गया है कि इसकी लेंथ बहुत छोटी है, इसकी शेप बहुत छोटी है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ, जो भी हम EM वेव्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वेव लेंथ के ऑर्डर की हमारी लेंथ है। तो ये चीज़ भी अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आ जाते हैं फ्रेम पर। ठीक है, अगर हमारे पास सिर्फ एक वायर है जिसमें एक ही टर्न है तो ये हो जाएगा लूप एंटीना, बट अगर हमारे पास बहुत सारे टर्न्स ले लेते हैं, बहुत सारे टर्न्स को हम फिर कनेक्ट कर देते हैं पावर सप्लाई से, तो फिर उसे बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम इज़ अ लूप एंटीना विद एन टर्न्स और मल्टीपल टर्न्स।
हम फ्रेम बनाते ही क्यों है? अभी तक हमने एंटीना एरे बनाया ही क्यों था? एंटीना एरे इसलिए बनाया था जिससे कि डायरेक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, जो मेरा रेडिएशन है वो और ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर का हो जाए। तो यहाँ पर हम फ्रेम्स भी इसीलिए बना रहे हैं जिससे कि रेडिएशन और ज़्यादा डायरेक्शनल हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए फ्रेम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कैटेगरीज पर। कैटेगरीज क्या क्या होती हैं? फर्स्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रिकली स्मॉल लूप एंटीना। अब कितना स्मॉल, मैंने ये तो बता दिया कि वेवलेंथ के ऑर्डर की होनी चाहिए लेंथ, बट कितना स्मॉल? अगर मेरी लेंथ लेस देन लैम्डा अपॉन 10 है तो मैं उस एंटीना को बोल दूंगी इलेक्ट्रिकली स्मॉल लूप एंटीना। ओके, सो लेंथ की हमारे को कंडीशन मिल गई है, लेंथ है लेस देन लैम्डा अपॉन 10। इस कंडीशन में जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होती है एंटीना की वो बहुत कम होती है। ठीक है, जब रेडिएशन रेजिस्टेंस कम है उस टाइम पर हमारी एफिशिएंसी भी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एंटीना रेडिएट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एंटीना की रेडिएशन रेजिस्टेंस से ही मुझे पता लगता है कि वो कितना इफेक्टिव है एज अ ट्रांसमीटर। ठीक है, तो जब इसकी रेडिएशन रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगी तो एफिशिएंसी भी बहुत कम है, क्योंकि ये रेडिएट ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकली स्मॉल लूप एंटीना के सारे पैरामीटर्स हैं, तो इसे मैं ट्रांसमीटर की तरह तो यूज़ नहीं कर सकती। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकली लार्ज लूप एंटीना। इलेक्ट्रिकली लार्ज लूप एंटीना कौन से होते हैं? जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा होती है। ठीक है, लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा, तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकली लार्ज लूप एंटीना। इस केस में जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होती है वो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकली स्मॉल एंटीना से ज़्यादा होती है। ठीक है, इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है कि इसको भी हम बहुत ही अच्छा ट्रांसमीटर बोले। बहुत अच्छा ट्रांसमीटर नहीं है, बट इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रिकली लार्ज लूप एंटीना अच्छा ट्रांसमीटर है। अब आ जाते हैं रेडिएशन पैटर्न पर। इलेक्ट्रिकली स्मॉल लूप में क्या होता है? हमारी जो नल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमा कहाँ होएगा? मैक्सिमा हो जाएगा पैरेलल डायरेक्शन में। पैरेलल क्या? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एंटीना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द एंटीना। तो नल्स हमारे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है, मैक्सिमा पैरेलल टू द एक्सिस है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकली लार्ज लूप एंटीना के ऊपर। नल्स हो जाएंगे पैरेलल टू द एक्सिस और मैक्सिमा हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ठीक है, आपको याद होगा ब्रॉडसाइड और एंड फायर केस, तो आप क्लासिफाई कर लीजिए। ये अब आपका टास्क है कि कौन सा ब्रॉडसाइड केस है, कौन सा एंड फायर केस है। ठीक है, तो अब ये आपका टास्क है। नाउ कमिंग टू द यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है? फर्स्ट, इट विल बी यूज्ड इन द रेडियो रिसीवर। ठीक है, रेडियो रिसीवर में यूज कर लेंगे, बट इसमें SNR की वैल्यू कम होती है। SNR की वैल्यू, क्योंकि इसमें SNR की वैल्यू ज़्यादा होती है और हमें रिसीवर के केस में SNR की वैल्यू ही देखनी होती है, तो वी कैन ईजिली यूज इट एज अ रेडियो रिसीवर। तो फर्स्ट यूज तो आ गया हमारे पास रेडियो रिसीवर। सेकंड, हम कभी भी एयरक्राफ्ट की डायरेक्शन को फाइंड करना हो, कोई भी हमारे पास एयरक्राफ्ट है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करना हो, तो हम लूप एंटीना को यूज़ कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट डायरेक्शन फाइंडर, ये एप्लीकेशन हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे कि कैसे हमारा लूप एंटीना एयरक्राफ्ट डायरेक्शन फाइंडर की तरह वर्क करता है। थर्ड एप्लीकेशन है इसका अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। ओके, सो TX इज द ट्रांसमीटर। आई हैव रिप्रेजेंटेड द ट्रांसमीटर विद TX सिंबल।
ट्रांसमीटर को TX सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया है। थर्ड यूज हो गया अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि लूप एंटीना होता क्या है, दिखता कैसा है, कैटेगरीज कैसी हैं, यूजेस क्या है, रेडिएशन पैटर्न कैसा है। अगर किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में और अपना डाउट लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट जितना जल्दी मेरे से हो पाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।